हेलो बॉस। बॉस स्पीकिंग। मैं मनोहर बोल रहा हूँ, गोदाम से। इस वक्त गोदाम में? जी हाँ बॉस, आपको जानकर खुशी होगी कि मिस्टर बनवारी लाल मिस्टर विजय की मदद से जेल से भागकर यहाँ आ गए हैं। गुड इवनिंग बॉस। मुबारक हो बनवारी लाल, मेरी तरफ से प्रिंस विजय का शुक्रिया अदा करो। थैंक यू बॉस, थैंक यू, दिस इज विजय स्पीकिंग। अब तो हम भी आपके साथी हैं। गुड, मैं सुबह लौटते वक्त आऊंगा, वहीं बातचीत होगी। थैंक यू बॉस, गुड नाइट, बाय बाय। उस लड़के की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कि सुबह बॉस के सामने ही उसका फैसला किया जाए। उसको किसी तरह यहाँ सुबह लाया जा सकता है? बहुत आसानी से। मेरे ख्याल में उस लड़की को वहीं शूट कर देना चाहिए। नो 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 नो, खूबसूरत लड़की का दुनिया में जिंदा रहना ही अच्छा है। हम चाहते हैं कि उसको यहाँ लाया जाए। यू आर राइट। बुला के इस वक्त 11:30 बजे मेरा ख्याल है तुम लड़की को लेकर 1 बजे तक वापस आ सकते हो। जरूर आ सकता हूँ। बिंदु अशरफ को साथ ले लो। बात हो। गुड लक टू यू। आइए जश्न मनाएं, रात तो अपनी है। दिली तुम डांस के लिए तैयार हो जाओ। हाँ लेली, तुम जाओ। आओ फ्रेंड्स, एक बाजी हो जाए। उससे वही पुरानी जिंदगी मिल गई। उमर खयाम ने कहा था शराब हसीना और रोटी, मगर मैं कहता हूँ शराब हसीना और ताश। अगर आप लोग फ्लाश खेलें तो हम लिली को दांव पे लगा सकते। मगर लिली है कहाँ? लिली। निगाहों ने फेंका है पंजे पे छक्का, निगाहों ने फेंका है पंजे पे छक्का, बलम तेरा मेरा हुआ प्यार मोहब्बत में दिल को लगा ऐसा धक्का, मोहब्बत में दिल को लगा ऐसा धक्का, चली आप मैं रह गया हक्का बक्का। निगाहों ने फेंका है पंजे पे छक्का। छुपाए लबों पर चमक बिजलियों की सजाए, लबों पर चमक बिजलियों की सजाए, मेरे दिल में ऐसे कदम तूने रखा, मेरे दिल में ऐसे कदम तूने रखा, चली आप मर गया हक्का बक्का। निगाहों ने फेंका है पंजे पे छक्का। Yeah.
कर दे ये महफिल सुहानी, लगा दूं अभी दाव पर जिंदगानी, लगा दूं अभी दाव पर जिंदगानी। अजी मैं हूँ आशिक न समझो उचक्का, अजी मैं हूँ आशिक न समझो उचक्का, चली आप मैं रह गया हक्का बक्का। निगाहों ने फेंका है पंजे पे छक्का, निगाहों ने फेंका है पंजे पे छक्का, बलम तेरा मेरा हुआ प्यार पक्का। मोहब्बत में दिल को लगा ऐसा धक्का, मोहब्बत में दिल को लगा ऐसा धक्का, चली आप मैं रह गया हक्का बक्का। निगाहों ने फेंका है पंजे पे छक्का। साहब को अंधेरी कोर्ट से जाके बंद करो, मैं बॉस को जरा खबर करता हूँ। ओके चलो। छोड़ दो चलो, छोड़ दो। कहिए मिस बीना। ओ मेरा मतलब है मिस रेनू दी प्रेस रिपोर्टर। मेरा नाम मनोहर है, मुझे शायद आपने शांग्रीला होटल में देखा। मैं बनवारीलाल, मुझे आपने जेल में देखा था। और गुलाम को बुलाकी कहते हैं मैम साहब। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस तरह जबरदस्ती मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। जल्दी भी क्या है, सब मालूम हो जाएगा। सिगरेट, गुस्से में खूबसूरती और भी निखर आती है। हम तुम्हें अपने गिरोह में शामिल करना चाहते हैं। तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं तुम लोगों की तरह नीच हो सकती हूँ? नीच ऊंच आदमी दौलत से होता है। तुम अगर हमारा काम करोगी तो थोड़े ही दिनों में माला माल हो जाओगी। मैं थूकती हूँ ऐसी दौलत पर। सोच लो, अगर हमारी बात कबूल की तो मोहब्बत का झूठा जाल फैलाकर प्रिंस विजय बहादुर जैसे रईस को फंसाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब झूठ है, मैंने प्रिंस को नहीं फंसाया। फाइन, सही फरमाया आपने, आपने नहीं हमने आपको फंसाया। आपने तो सिर्फ मोहब्बत की, प्यार किया, लव किया, ट्रू लव है। विजय तुम देख लिया, जेल की दीवारें भी मुझे रोक के नहीं रख सकती। अब मैं देखता हूँ तुम्हारा कलम किस तरह देश और कानून की मदद करता है। मैं चैलेंज करता हूँ कि घर में, बाजार में, व्यापार में, हर जगह जाली नोट ही जाली नोट नजर आए। नहीं, तुमने पुलिस की मदद की, लेकिन अब पुलिस भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगी, इसलिए कि तुम्हें जिंदगी भर इसी अंधेरी कोठरी में रहना होगा। सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को जिंदगी की परवाह नहीं होती विजय, लेकिन याद रखो जो कुछ तुम कर रहे हो वो गलत है। भी मान जाओ विजय और सच्चाई के रास्ते पर चलो। इन थोड़े से लोगों की खुशी के खातिर क्यों लाखों करोड़ों की जिंदगी बर्बाद करो? यू शट अप, बहस के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम्हारा फैसला कल बॉस के सामने होगा। बुला के दरवाजा बंद करो।